1 फरवरी भीष्म एकादशी गाय माता को चुपचाप खिला दें, ये छोटी सी एक चीज 7 पीढ़ी तक बैंक बैलेंस बढ़ता ही चला जाएगा, दुख दूर होंगे, सुख पास आएगा। दोस्तों, माघ का पवित्र महीना चल रहा है। माघ मास के शुक्ल पक्षी एकादशी को भीष्म एकादशी का व्रत रखा जाता है, इसे जया एकादशी भी कहा जाता है। इस साल भीष्म एकादशी का व्रत 1 फरवरी दिन बुधवार को रखा जाएगा। भीष्म एकादशी के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन किया जाता है। भीष्म एकादशी का व्रत करने और भगवान लक्ष्मी नारायण का इस दिन विधि विधान से पूजन करने पर व्यक्ति को भूत प्रेत पिशाच आदि की योनियों से मुक्ति मिलती है। सुखमय जीवन व्यतीत कर अंत में भगवान श्री विष्णु जी की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है और कष्टों से छुटकारा मिलता है। शास्त्रों के अनुसार जो भक्त भीष्म एकादशी का व्रत करते हैं, यानी जया एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें जाने अनजाने में किए गए उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्महत्या जैसे महापाप से भी मुक्ति मिल जाती है। भीष्म यानी कि जया एकादशी की कथा के अनुसार इंद्रलोक की अप्सरा को श्राप के कारण पिशाच की योनि में जन्म लेना पड़ा था। जब उन्होंने इस भीष्म जया एकादशी का व्रत किया तो उन्हें इस योनि से मुक्ति मिल गई और फिर इंद्रलोक में स्थान प्राप्त हुआ। भीष्म एकादशी के दिन भगवान लक्ष्मीनारायण की कृपा जिसे प्राप्त हो जाती है उसके घर में सुख समृद्धि का सदैव वास बना रहता है, दुख दरिद्रता का नाश हो जाता है। इस बार की यह भीष्म एकादशी यानी जया एकादशी का व्रत 1 फरवरी दिन बुधवार को रखा जाएगा। व्रत का पारण 2 फरवरी दिन गुरुवार को रखा जाएगा। जी हाँ, व्रत पारण करने का समय है शुभ मुहूर्त 6:15 से लेकर 8:49 तक रहेगा। द्वादशी युक्त तिथि पर ही पारण करें। दोस्तों, इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर भगवान की पूजा आराधना करें, फिर आप हो सके तो निर्धन गरीब को दान जरूर करें। दोस्तों, 2023 1 फरवरी भीष्म एकादशी बड़ा बुधवार बना अद्भुत शुभ संयोग। आपको बता दें कि एकादशी का व्रत गंगा जल की बूंद की तरह पवित्र माना जाता है, मंगलकारी माना जाता है, शुभकारी माना गया है। भगवान श्री हर विष्णु जी और महालक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए एकादशी सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। ये व्रत न केवल जीवन में भौतिक सुख सुविधा शांति धन ऐश्वर्य संपदा उत्तम जीवन साथी और कार्यक्षेत्र में सफलता प्रदान करता है, बल्कि मनो यानी कि मरणों उपरांत मोक्ष की प्राप्ति भी कराता है। भगवान विष्णु जी की कृपा से हर एकादशी के व्रत का एक अलग अलग और खास महत्व होता है। दोस्तों, अगर हिंदू धर्म की माने तो ऐसी मान्यता है कि गाय की सेवा अगर बिना लालच की जाए एकादशी के दिन तो घर में लक्ष्मी का वास होता है। वैसे तो युगों युगों से चला आ रहा है कि गाय को हम कुछ न कुछ जरूर अवश्य खिलाते हैं। गाय को सनातन धर्म में लक्ष्मी स्वरूप भी माना गया है। कहा जाता है कि गाय की सेवा करने से घर परिवार सुखी और संपन्न रहता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इस पावन दिन पर करने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से भगवान श्री हर विष्णु जी के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी की, भगवान श्री गणेश जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी कृपा से घर में धन धान्य से भर जाता है, दुख गरीबी और दरिद्रता का नाश हो जाता है, घर में कभी भी गरीबी नहीं आती। दोस्तों, इस उपाय को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारे इस वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखें। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं और शुरुआत करते हैं उपाय के बारे में। उपाय करने के लिए आपको अपने मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं, भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं। दोस्तों, ध्यान रखें कि घी के नीचे आज के दिन यानी चावल जरूर रखें, क्योंकि एकादशी के दिन चावल का यानी कि चावल ना रखें, चावल का इस्तेमाल बिल्कुल वर्जित माना गया, इसलिए घी के नीचे जो दीपक जलाएंगे उसमें चावल ना रखें। आज के दिन ना तो चावल खाएं और ना ही पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। फिर आप सुगंधित अगरबत्ती जलाएं, भगवान श्री हर विष्णु जी और माता लक्ष्मी को हल्दी और कुमकुम से तिलक करें, फिर एक पात्र में शुद्ध घी और थोड़ा सा गुड़ रखें, फिर इसका भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी को भोग लगाएं। दोस्तों, इसके बाद आप क्या करें कि शुद्ध आटा ले लें और शुद्ध जल से इसे मढ़कर इसकी एक रोटी तैयार कर लें। रोटी तैयार करने के बाद इसे आप यानी कि किसी पात्र में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के पास रख दें। फिर आप इस रोटी पे गुड़, घी और थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी मिश्री इस रोटी पे रख कर और आप अपनी मनोकामना बोलते हुए ले जाकर गाय माता को यानी गौ माता को चुपचाप ले जाकर खिला दें। गाय को खिलाते समय अपनी मनोकामना जरूर बोलें।
ऐसा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। दुख वैभव यानी कि दुख गरीबी मिटती है और सुख वैभव की प्राप्ति होती है। जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी परेशानी भी खत्म हो जाती है। अनेक जन्मों की गरीबी नष्ट हो जाती है और घर में सुख संपन्नता आता है। दोस्तों, आज के दिन एकादशी के दिन गौ माता को एक मुट्ठी घास ले लें और उसमें एक रोटी रख लें। थोड़े से आप इसमें चाहें थोड़े से आप गुड़, घी और हल्दी रख लें, काले तिल भी रख लें और गौ माता को ले जाकर चुपचाप खिला दें। ऐसा करने से गौ माता के साथ साथ माता लक्ष्मी कृपा प्राप्त होती है, घर से दुख गरीबी दूर हो जाती है, घर में आपको लाभ की प्राप्ति होती है, कभी भी धन का क्षय नहीं होता है। दोस्तों, इस दिन आप गौ माता को घर की पहली रोटी जरूर खिलाएं। घर की सबसे पहली रोटी खिलाने से गौ माता तो प्रसन्न होती हैं, साथ ही माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। घर से दुख गरीबी का नाश हो जाता है, घर में सुख समृद्धि आती है, अनेक जन्मों की चली आ रही परेशानियाँ भी दूर हो जाती है और घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाता है। गाय की सेवा करें, गौशाला में एक शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाएं। आज के दिन एकादशी के दिन आप गौ माता की जितनी सेवा करेंगे उतनी ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी कृपा बरसेगी। दोस्तों, गरीब निर्धन को भी इस दिन दान जरूर करें। गौ माता अगर आपके द्वार पर आ गई है इस दिन, तो आप अपने घर पर जरूर गौ माता को रोटी जरूर खिलाएं। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि होती है। सनातन धर्म से ही युगों युगों से चला आ रहा है कि गाय की सेवा करने से उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण भी गौ माता की सेवा करते थे और जीवन में वो कभी भी हार नहीं माने और इसीलिए उनकी हर तरफ विजय ही विजय प्राप्त हुई। इसलिए गौ माता की सेवा जरूर करें, गौ माता को घर में कुछ न कुछ जरूर खिलाएं। खासकर पहली रोटी अगर बन जाए तो गौ माता को जरूर खिलाएं, और अगर कुछ भी नहीं है तो गौ माता को आप थोड़े से गुड़ ले लें, थोड़े से घी ले लें, थोड़े से आप यानी कि उसमें काले तिल डाल दें और आप उसके लड्डू बनाकर जरूर आप यानी कि गौ माता को खिला दें। ऐसा करने से भी घर में सुख समृद्धि होती है, धन का नाश कभी नहीं होता, धन बढ़ता चला जाता है, व्यापार में तरक्की, नौकरी की चाहत पूरी, संतान की चाहत पूरी, वैवाहिक जीवन में सुखमय जीवन, हर तरफ समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी कृपा से कभी भी आपको पैसे की किल्लत नहीं झेलनी पड़ती, हर तरह आपको लाभ ही लाभ मिलता है। एकादशी का व्रत करके और गाय को रोटी खिलाने से सुख समृद्धि आती है। इसलिए एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करें, माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करें, फिर आप गौ माता की भी पूजा आराधना जरूर करें, क्योंकि गौ माता में गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए गाय में समस्त देवी देवताओं के वास होने से एकादशी के दिन गाय की पूजा जरूर करें और अपने घर में जो भी बने आप जरूर खिलाएं। इससे आपके घर में सुख समृद्धि होगा और कभी भी धन का नाश नहीं होगा, धन बढ़ता ही चला जाएगा। तो इस प्रकार से उपाय जरूर करें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय माँ लक्ष्मी।